आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट रसीली मालपुआ, वो भी बासमती चावल और मूंग की दाल के। आप कोई भी ओकेशन में ये मिठाई बना सकते हो और इसका फ्लेवर बहुत ही सुंदर होता है और खाने में तो बहुत अच्छा लगता ही है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो एक बोल में मैंने यहाँ एक कप बासमती चावल ले लिया। अब इस चावल को अच्छे से धो लेंगे। पहले धोने के बाद इसका जो पानी है उसको फेंक देंगे, फिर आधा घंटे के लिए उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो आधा घंटा बाद चावल थोड़ा फूल गया है। आप चाहिए हाफ कप मूंग की दाल, इसको पहले रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून घी ऐड किया पैन में। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में रख के मूंग दाल को कुछ देर रोस्ट करना है, जब तक उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाता और उससे अच्छा खुशबू ना निकल आता। तो देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको एक प्लेट में थोड़ी देर ठंडा करने के लिए हमने रखे। जब मूंग दाल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसको पीसना है। तो पहले मिक्सर जार में चावल को डालना है, उसके बाद 2 छोटी वाली इलायची फ्लेवर के लिए डालेंगे। छिलके को नहीं डालना है इस टाइम, बाद में जब चाशनी बनाएंगे तब छिलके को डालेंगे, उससे फ्लेवर भी आएगा। अब भुनी हुई मूंग दाल को डालना है, फिर 1 टीस्पून डाले सॉफ्ट पाउडर और मैंने यहाँ 1 कप दूध डाले पीसने के लिए, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो फिर डालना है। तो बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है इसलिए और मैंने यहाँ 1.25 कप दूध मिलाई। ये मालपुआ का जो बैटर बनेगा वो ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा, उससे मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। आप चाशनी को बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए चाहिए 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी। गैस का फ्लेम मीडियम में रख के चाशनी को बना लेंगे और जो छिलका रखे थे उसको डालें, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। चाशनी ज़्यादा चिपचिपा नहीं बन के तैयार होगा। अब एक कढ़ाई में 1/2 कप घी डाल लें और 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डालें। फिर धीरे धीरे मालपुआ को डालते जाएंगे। जब एक तरफ लाल हो जाए फिर दूसरी तरफ कर लेंगे। जब दोनों तरफ अच्छे से सिक जाए फिर उठा के रखेंगे। इसी तरीके से बाकी मालपुआ को भी हम फ्राई करके रखेंगे। चाशनी बन के तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे मालपुआ को चाशनी के अंदर डिप कर देंगे, फिर 3-4 घंटे के लिए उसको रखेंगे ताकि चाशनी मालपुआ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा ऊपर नीचे करते जाएंगे। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट भी बना है और चाशनी भी अंदर अब्जॉर्ब हो गया है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये मालपुआ। तो दोस्तों आप भी बनाइए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।